ग्वालियर जिले के मोहना थाना क्षेत्र के डाडा मोहल्ले में स्थित कब्रिस्तान पर बीते 10 जुलाई को दो बच्चों की दुखद मौत का मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने दो सप्ताह की विवेचना के बाद ठेकेदार दिनेश धाकड़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल मंटो कॉलोनी में रहने वाले दिनेश धाकड़ ने मोहना के कब्रिस्तान क्षेत्र में टंकी के निर्माण के लिए गड्ढा खुदवाया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। यहाँ मोहल्ले के दो बच्चे नहाने गए थे, जो खेलते समय पानी में डूब गए। देर शाम को उनकी लाश बरामद हुई थी। इस मामले में परिवार के लोगों ने ठेकेदार दिनेश धाकड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में प्रथम दृष्टया ठेकेदार की लापरवाही पाई, जिसके बाद पुलिस ने दिनेश धाकड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाने में भी कुछ दिन पूर्व 10 जुलाई को दो बच्चे 3 साल के और 5 साल के बहन भाई थे, शाम के टाइम खेलते हुए कब्रिस्तान में बने गड्ढे में डूब गए थे, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ पर से जो है मोहना थाने में मर कायम किया गया था, मर की जाँच की जा रही थी। जांच में यह चीज़ सामने आई कि जो गड्ढा जिस ठेकेदार द्वारा बनाया गया था, वो ठेकेदार द्वारा अब जो पानी भरने के लिए स्टोर करने के लिए बनाया गया था, इसके बाद उसको बंद करना था काम पूर्ण होने के बाद, तो उसके द्वारा गड्ढा बंद नहीं किया गया, जिसके कारण वो गड्ढे में पानी भरा और उसके कारण दो बच्चों की डेथ हुई। तो जो ठेकेदार था दिनेश धाकड़, उसके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।